नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में ना भाई हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन 2023 के बारे में। अगर हम बात करें इस कार के प्राइस के बारे में, वो है 8,10,000 रुपए एक्स शोरूम। और जो लोग सबसे पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए ये कार एक वरदान है। अगर हम बात करें इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो लगभग 9,30,000 रुपीज तक ऑन द रोड ये कार हमें मिल जाती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल पर रमेश आदमनी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार के अपग्रेड्स के बारे में, तो ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन जिसमें जो लाल कलर है भाई, मतलब रेड और ब्लैक कलर में इस कार का जो कॉम्बिनेशन में लुक आती है ना भाई, वो एक नंबर, जैसे लाल परी जैसे। बेस वेरिएंट से ही इस कार में हमें DRLs देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं भाई। मतलब हमें बेस वेरिएंट में ही पूरी तरह से DRL LED सेटअप देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे कार का जो लुक है और भी इनहांस होके कार भी अच्छी लगे और प्रीमियमनेस कार में बरकरार रहे। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इस कार की जो विड्थ है वो है 1804 mm। तो भाई ये डायमेंशन में ठीक ठाक ये कार हमें यहाँ पे लगती है। इस वेरिएंट का जो स्पेसिफिक नेम है ना, वो है स्मार्ट वेरिएंट, स्मार्ट प्लस नेम। बेस वेरिएंट है जिसे हम स्मार्ट कहते हैं। ब्लैक ग्लॉसी स्टाइल में हमें यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलती है और उसके सेंटर में क्रोम में हमें टाटा का वही भाई, जो पुराना लोगे बरसों से चलता आ रहा है ईयर टू ईयर, तो वही क्रोम में टाटा का लोगो देखने को मिलता है। और भाई इसका लुक उस LED इंडिकेटर्स और DRLs की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम कार हमें यहाँ पे फील होती है। और फ्रंट में एयर इंटेक के लिए बड़े बड़े गैप्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो गाइज, अगर हम इस कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो 3995 mm की लेंथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 3995 mm की लेंथ हमें इस कार की देखने को मिलती है और 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण ये कार आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। मतलब अच्छे खासे जगह पे आप इस कार को चला सकते हो। कुछ लोग मतलब कह ही सकते हैं ना, क्योंकि इस कार को बहुत सारे लोग टाटा का छोटा टैंक भी कहते हैं, क्योंकि टाटा सफारी और टाटा हैरियर तो इसका बड़ा टैंक हो गई और उसके साथ ही टाटा नेक्सॉन मतलब इनका छोटा टैंक। 2498 mm का व्हील बेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और भाई ये बेस वेरिएंट होने के कारण हमें व्हील के ऊपर कोई भी कवर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, नॉर्मल स्टील रिम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और भाई अगर हम बात करें ब्रेक्स के बारे में, तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन रियर में हमें नॉर्मल ब्रेक्स ही मिलती है, जिसे हम ड्रम ब्रेक भी कहते हैं। तो इस कार में हमें 195/60R16 की टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है। करें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर के बारे में, इस कार में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर नहीं मिलते, ये हमें हाथ से ही करने पड़ेंगे। अगर हम बाहर भी हो तो बाहर से भी ये फोल्ड हो जाते हैं, हाथ से ही करने पड़ेंगे। अगर हम अंदर से भी हो तो डंडी से मैन्युअली हमें इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस मिरर। जैसे ही हम इस कार के पीछे आते हैं, मतलब भाई हम इस कार के रियर की प्रोफाइल की अगर बात करें, तो इस कार में हमें जो LED सेटअप मिलता है ना, तब उसकी वजह से इस कार की जो लुक आती है ना भाई, मतलब मेजर चेंज तो रियर साइड में इस कार के प्रोफाइल में किया गया है। और भाई जो इन्होंने टेल लैम्प दिए हैं ना, तो वो ऑलवेज ऑन मोड में रहते हैं, मतलब हमेशा जलते रहेंगे। उसके साथ ही इंडिकेटर भी इन्होंने दिया गया है। और भाई LED फुल LED सेटअप में इसका जो लुक आता है ना भाई, मतलब भाई एक नंबर इस कार का जो लुक इस LED सेटअप की वजह से आता है। और उसके साथ ही हमें सेंटर में टाटा का लोगो और उसके साथ ही नेक्सॉन की ब्रांडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है क्रोम में। और भाई हमें जो नंबर प्लेट होती है ना, तो नंबर प्लेट में जो LED जलते हैं, तो नंबर प्लेट के LED भी यहाँ पे हमें दिए गए हैं। मतलब भाई यार नेक्स्ट लेवल काम किया गया है रियर प्रोफाइल की तरफ नेक्सॉन में। तो भाई इस कार में हमें 44 लीटर की पेट्रोल टैंक मिलती है। और भाई इस कार में हमें किसी भी टाइप का एंटीना, वाइपर, डिफॉगर देखने को नहीं मिलता। और जो डोर हैंडल्स है ना, वो ब्लैक कलर में हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस टाटा नेक्सॉन ऑल न्यू 2023 स्मार्ट में हमें सिर्फ पीछे के साइड पे दो ही पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं भाई, क्योंकि भाई अगर इनको तो पता ही है, पहले ही टाटा है, मतलब मजबूत बिल्ड क्वालिटी में टाटा जाना जाता है, तो इन्होंने सिर्फ दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इनको तो पता है भाई, अगर किसी की गाड़ी गलती से भी लग भी गई तो नेक्सॉन मतलब नुकसान तो किसका होने वाला है, अगले वाले का ही होने वाला है। तो भाई ये तो टाटा ने किया है। अगर हम बात करें ऑल न्यू टाटा 2023 की, तो इस कार में हमें जो इंटीरियर मिलता है ना, तो वो ये इंटीरियर प्योर ब्लैक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है भाई। और भाई उसके साथ ही इस कार में हमें 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं,
मतलब बेस हो या टॉप, टाटा सेफ्टी में कहीं पे भी कंजूसी नहीं करती, मतलब। और 6 एयरबैग्स का जो रूल है उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि हमारा जो ओनर होता है वो बच सके। तो टाटा इस सेफ्टी के फीचर्स में कभी भी कंजूसी नहीं करती। 2-स्पोक स्टेयरिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और भाई उसके सेंटर में डिजिटली टाटा का लोगो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और भाई हम टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, मतलब हम सिर्फ टिल्ट ही इस स्टेयरिंग को कर सकते हैं। तो इस बेस वेरिएंट में जिसका नाम है स्मार्ट, तो इस वेरिएंट में हमें किसी भी टाइप का स्टीरियो देखने को नहीं मिलता क्योंकि भाई ये एक बेस वेरिएंट है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस कार में हमें मैनुअल एडजस्टमेंट एसी कंट्रोल देखने को मिलते हैं 12 वोल्ट सॉकेट के साथ। तो भाई कुछ इस तरह के फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो डायल है ना, इस कार में हमें डायल मिलता है जिसमें इको मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट मोड, ये 3 डायल में ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। अगर हम बात करें बूट स्पेस के बारे में तो इस कार में हमें 384 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। अगर आपको बूट में थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आप इस तीनों भी सीट्स को फोल्ड कर सकते हो, मतलब भाई अच्छा खासा स्पेस हमें इस कार में देखने को मिलता है बूट में। अब बात आती है इंजन की, तो गाइज इस कार में हमें रिवोट्रॉन का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि 118 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है। और उसके साथ ही 170 एनएम का टॉर्क हमें इस इंजन में मिलता है। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इस कार में हमें ESP, ABS और भाई दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बेस वेरिएंट है तो इस कार में हमें सेफ्टी देखने को नहीं मिलती, तो अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स हमें इस कार में देखने को मिलते हैं। तो बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इस कार में हमें ABS, EBD, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो भाई मतलब दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स, ब्रेक्स से रिलेटेड फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि हमारी इंसान की जान बचा सके किसी अनएक्सेप्टेड सिचुएशंस पे। और सबसे मेन बात आती है 5-स्टार रेटिंग की, तो इस कार में 5-स्टार रेटिंग आ चुकी है भाई, मतलब इंडिया सेफेस्ट कार हम इस कार को कह सकते हैं। अब बात आती है माइलेज की, तो आखिर ये कार माइलेज कितना देती है, तो भाइयों कंपनी क्लेम करती है 17.44 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 17 का एवरेज कंपनी क्लेम करती है। लेकिन रियल लाइफ की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 15-16 किलोमीटर पर लीटर एवरेज निकाल के देती है। तो कुछ यही कहानी थी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन 2023 बेस वेरिएंट स्मार्ट की। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस मंथ में हमें 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सके, और अपना ओपिनियन कार के ऊपर आपकी भी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगर आपको ये वीदियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you so much.